सभी को नमस्कार जो चैनल पर आए और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पोस्ट में हम देखेंगे कि स्टीव रॉजर्स का चरित्र, जो एक महान देशभक्त है और दुश्मन के खिलाफ पीछे नहीं हटता है, कैप्टन अमेरिका बन जाता है और क्या कैप्टन अमेरिका वास्तविक जीवन में संभव है। एक गुप्त सैन्य अनुसंधान में स्टीव रोगर नामक एक चरित्र, जिसके पास विभिन्न मानसिक और शारीरिक बीमारियां हैं, उसे कैरम अमेरिका में बदलने के लिए जिरम और महत्वपूर्ण तरीकों से इंजेक्शन लगाया जाता है। उसकी शक्तियां मनुष्य की उच्चतम क्षमता तक सीमित हैं, अर्थात अन्य मनुष्यों की तुलना में तेजी से दौड़ने, लड़ने और दर्द सहने की क्षमता। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, एक सामान्य मानव को एक जिरम इंजेक्शन लगाकर कैप्टन अमेरिका में बदलना संभव नहीं है, लेकिन डीएनए को संशोधित करके, यानी जिंक फिंगर न्यूक्लीज, कैस नॉ, क्रिस्प सिस्टम आदि का उपयोग करके हम डीएनए बना सकते हैं। हमें खुद की जरूरत है। इसके अलावा कमजोर तरंगों या गामा तरंगों का उपयोग एक कमजोर आदमी को कैप्टन अमेरिका में बदलने के लिए किया जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस परीक्षण का उपयोग केवल परीक्षण चूहों पर किया है, इसलिए भविष्य में इसके सफल होने की संभावना नहीं है। आगे हम उस ढाल को देखते हैं जो कैप्टन अमेरिका को ढालती है। यह ढाल विब्रानियम, लोहा और कुछ धातुओं से बना है और इसे किसी भी बल द्वारा अविनाशी माना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि कैप्टन अमेरिका इस ढाल को उड़ाते हुए अपने हाथों में वापस आ रहा है। यह सब ढाल के साथ जोड़े गए वाइब्रेनियम के कारण है, जो कंपन द्वारा उस पर लगाए गए बल को कम करने के लिए दिखाया गया है, जिसके कारण ढाल वापस कैप्टन अमेरिका के हाथों में आ जाती है। लेकिन काल्पनिक धातु विब्रानियम हमारे द्वारा बनाए जाने की संभावना नहीं है और एक ढाल बनाने की संभावना नहीं है जो कोई बल नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल निश्चित रूप से वस्तु की ध्वनि से, या तो गर्मी से या पिघलने से व्यक्त किया जाएगा। यह न्यूटन के तीसरे नियम के अनुरूप है, अर्थात किसी भी क्रिया की एक समान लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। परे की ढाल को फेंकना और उसे अपने हाथों में वापस लाना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ढाल में एक बूमरैंग की विशेषताएं नहीं है। अंत में मनुष्यों को कैप्टन अमेरिका में बदलने के लिए स्पोर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ एथलीट जैसे कि रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप कैप्टन अमेरिका बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसी तरह कप्तान अमेरिका की ढालें लोहे और टाइटेनियम मिश्र धातु जैसी धातुओं का उपयोग करके बनाई जा सकती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि फिल्म में दिखाए गए अनुसार 100% बनाना संभव नहीं है। इस उत्तर को देखने के लिए धन्यवाद। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें।